मूवी के स्टार्ट में हम एक जख्मी लड़की को देखते हैं जो कि किसी से डर कर भाग रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा जाइंट आदमी आ जाता है और वो अपने बड़े हाथों से उसका मुंह ही क्रश कर देता है, जिससे उस लड़की की जान चली जाती है। और इस आदमी का नाम होता है क्रशर। इसके बाद क्रशर उस लड़की की बॉडी को लेकर अपने घर के बाहर आता है, जहाँ पर उसका भाई भी होता है। क्रशर बॉडी को लेकर उसके टुकड़े करने लगता है, तभी टीवी में हम देखते हैं कि उसी लड़की की रिकॉर्डिंग चल रही होती है, जिसकी क्रशर ने टॉर्चर करके वीडियो बनाई थी। लेकिन किसी तरह वो लड़की वहाँ से भाग जाती है, जिस पर क्रशर उसे जान से ही मार देता है। और अब उसके मेट को वो लोग लंच के लिए तैयार करते हैं, यानी कि ये दोनों भाई कैनिबल्स होते हैं जो इंसानों का मीट खाना काफी पसंद करते थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें चार लोग दिखाए जाते हैं, जिसमें हम ब्रायन नाम के एक क्रिमिनल को देखते हैं। उसके साथ उसका भाई भी होता है। दरअसल ब्रायन ने काफी रिच लड़की को किडनैप किया था ताकि वो उसके फैमिली मेंबर्स को ब्लैकमेल करके अच्छे खासे पैसे ले सके। ब्रायन के साथ सैरा नाम की लड़की भी शामिल होती है, साथ ही सैरा का एक कजिन भी होता है जिसका नाम जॉश होता है, और वो उसे भी अपने साथ लाई होती है। अब उन तीनों में से किसी को भी नहीं पता होता है कि आखिर ब्रायन का आगे का प्लान क्या है। खैर कुछ देर के बाद वो सब एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ पर ब्रायन का भाई फ्यूल फिल करता है। वहीं दूसरी तरफ सैरा और जॉश दोनों गैस स्टेशन के अंदर जाते हैं, जहाँ पर जॉर्ज भागना चाहता था, लेकिन वो सैरा को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता। इसी वजह से वो वापस कार की तरफ आ जाता है। तभी वहाँ पर शेरिफ भी आ जाता है। ये देखकर ब्रायन और उसका भाई काफी हद तक डर जाते हैं और ब्रायन अपनी गन भी निकाल लेता है। तभी सैरा और जॉर्ज वहाँ पर आकर शेरिफ से बात करने लगते और उसका माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। इसके बाद वो सब वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन बातों बातों में ब्रायन गुस्सा हो जाता है। इसी बीच उनकी कार के सामने एक हिरन आ जाता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें हिरन तो मर जाती है, लेकिन हिरन की सींग ब्रायन के आर पार हो जाती है। इसके बावजूद भी ब्रायन जिंदा होता है और वो तीनों हिरन को हटाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। तभी हिरन भी होश में आ जाती है और वो अपने सींग को हटाने की कोशिश करती है, जिससे ब्रायन को अब काफी तकलीफ होने लगी थी। इन सब से तंग आकर ब्रायन उस हिरन को ही शूट कर देता है, जिससे अब वो हिरन मारी जाती है। ये देखकर ब्रायन का भाई उसके पास आता है और पूछता है कि आखिर हमें कहाँ जाना है, लेकिन ब्रायन उसे कुछ भी नहीं बताता है। तब गुस्से में ब्रायन का भाई उसे ही शूट करके मार देता है। अब क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें आगे क्या करना है और उन लोगों की कार भी खराब हो चुकी थी, तो वो लोग पैदल ही जाने का फैसला करते हैं। तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है। वो उन सबको इस हालत में देखकर उनकी हेल्प करने का कहता है, लेकिन वो अपने साथ दो लोगों को ही ले जाने के लिए तैयार था ताकि वो लोग गैस स्टेशन पर जाकर हेल्प ला सके। लेकिन ब्रायन को इस बात से काफी गुस्सा आता है कि वो दोनों उसे छोड़कर वहाँ से चले जाएंगे, और इसी गुस्से में ब्रायन का भाई उस आदमी को ही शूट कर देता है। इससे पहले कि वो उसे जान से मार दे, तभी बीच में जॉर्ज उसे रोक लेता है और मौका देखकर वो आदमी वहाँ से अपनी कार लेकर भाग जाता है। खैर अब और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो किडनैप लड़की को लेकर जंगल में जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम वहाँ पर क्रशर के भाई को देखते हैं, जो अपने शिकार को देखकर काफी खुश होता है। इसके बाद क्रशर का भाई क्रशर के पास जाता है और उसे बताता है कि जंगल में बहुत से मेहमान आए हैं। क्रशर वहीं पर एक डॉल के साथ खेल रहा होता है, तभी उसका भाई उसे कहता है कि आज तुम्हें तुम्हारे नए दोस्त मिल जाएंगे। इधर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे ब्रायन के भाई ने शूट किया था, और ब्लड लॉस होने की वजह से उस बेचारे की मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उस आदमी को मरा हुआ पाकर वो इस बात की खबर पुलिस तक पहुंचा देता है। इधर ब्रायन का भाई भी उन सब को गन पॉइंट पर लेकर मारने की धमकी देता है। तभी पीछे से गोली उसके आर पार हो जाती है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि क्रशर के भाई ने चलाई होती है। क्रशर के भाई को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था कि वो सब क्रिमिनल है और वो लड़की को किडनैप करके जा रहे थे। खैर इसके बाद ब्रायन का भाई उन सबको गन पॉइंट के जरिए अपने साथ एक्सीडेंट वाली जगह पर चलने को कहता है और किडनैप लड़की को वहीं छोड़ देता है। इधर किडनैप लड़की अकेली होती है और वो उस जगह से जाने की कोशिश करती है, तभी क्रशर वहाँ पर आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ वो तीनों एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर क्रशर का भाई जॉश को हिरन का सर काटने को कहता है ताकि वो उसका मीट खा सके। तब जॉश ऐसा ही करता है, वो उस हिरन का सिर काट कर उसे दे देता है। इधर क्रशर ऐश को अपने घर पर लाता है, जहाँ पर वो उसे अच्छे तरीके से स्मेल करने के बाद चला जाता है। ऐश भी यहाँ बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी और मौका देखते ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था तो वो किसी चीज से टकरा कर हकीकत में बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो तीनों भी घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर क्रशर को देखकर जॉश और सैरा काफी डर जाते हैं।
इधर शेरिफ भी एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि उस कार में क्राइम हुआ था तो वो ये सब देखकर खून के निशान का पीछा करने लगता है जो कि हिरन के कटे हुए सिर से गिरा था। दूसरी तरफ क्रशर का भाई सारा को ड्रिंक पीने के लिए देता है लेकिन सारा उसे पीने से मना कर देती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उस ड्रिंक में पॉइजन है, जिस पे क्रशर का भाई उसे मारता है और आखिरकार डरकर सारा उसे पी लेती है जिससे वो अब बेहोश हो जाती है। इसके बाद क्रशर का भाई ऐश के पास जाता है जहाँ पर वो उसके फेस से कपड़ा हटाता है और अब हम ऐश का पहली बार फेस देखते हैं। इसके बाद क्रशर का भाई क्रशर से कहता है कि वो ऐश को आउट हाउस में जाकर बंद कर दे, तब क्रशर ऐसा ही करता है। जॉश को भी क्रशर का भाई मार के बेहोश कर देता है। इसके बाद क्रशर का भाई सारा को पेड़ से लटका कर उसका फेस कवर कर देता है। उसने सारा के जिस्म पर अलग अलग नाम दिए होते हैं ताकि वो उसे काट कर बता सके। साथ ही साथ ये सारा मंजर क्रशर का भाई रिकॉर्ड भी कर रहा होता है। इसी बीच क्रशर सारा के भाई जॉश को भी अंदर लाकर बांध देता है। कुछ देर बाद सारा को भी होश आ जाता है और वो चीखने लगती है, तब क्रशर का भाई उसके कुछ पार्ट्स को काट कर रिकॉर्ड करता है और वो रिकॉर्डिंग जॉश को दिखाता है, जिस पर जॉश परेशान हो जाता है और वो उसे पूछने लगता है कि सारा कहाँ पर है। तब क्रशर का भाई उसे कहता है कि वो बाहर लटकी हुई है। इधर सारा की आवाज सुनकर ऐश दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन इसी बीच वहाँ पर उसे हिरन का सींग दिखाई देता है जिससे वो अपनी रस्सी को खोलने की कोशिश करती है और आखिरकार वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। दूसरी तरफ क्रशर का भाई अब जॉश को टॉर्चर करने लगता है जहाँ वो उसके बॉडी पार्ट्स पर कट लगाता है जिससे उसे काफी ज्यादा पेन होता है। इधर ऐश भी आजाद हो चुकी थी लेकिन वो भाग के बजाय अंदर जाकर गन में गोलियां भरती है और कुछ बुलेट्स वो अपने पॉकेट में डाल लेती है। इसके बाद वो क्रशर के भाई के पास जाती है जहाँ पर वो जॉश को टॉर्चर कर रहा होता है। पहले तो ऐश क्रशर को शूट करती है, इसके बाद वो क्रशर के भाई को गन पॉइंट पर लेकर जॉश को आजाद कराती है। साथ ही साथ उसने क्रशर के भाई के हाथ बांध दिए होते हैं। यहाँ पर ऐश उसे इसलिए नहीं मारती है क्योंकि रोड तक क्रशर का भाई उन्हें पहुंचा सकता था। इसके बाद वो लोग सारा को भी आजाद करते हैं। ऐश उन तीनों को गन पॉइंट पर रख कर आगे चलने का कहती है। इसी बीच क्रशर का भाई मौका देकर जॉश को पकड़ लेता है। जॉश यहाँ क्रशर के भाई को शूट करने का कहता है लेकिन वो ऐसा नहीं करती है, जिस पर क्रशर का भाई जॉश को जान से मार देता है। ये देखकर सारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ऐश से गन लेकर क्रशर के भाई पर शूट कर देती है। अब क्योंकि गन सारा के पास होती है तो वो ऐश को भी गन पॉइंट पर ले लेती है। तभी पीछे से बुलेट आकर सारा के आर पार हो जाती है जो कि किसी और ने नहीं बल्कि शेरिफ ने चलाई थी, क्योंकि शेरिफ को लगा कि सारा ऐश को मार देगी इसीलिए शेरिफ ने उसे ही मार दिया। शेरिफ ऐश से सब कुछ पूछता और इसके बाद वो क्रशर के घर तक चलने के लिए कहता है, जिस पर ना चाहते हुए भी ऐश को शेरिफ की बात माननी पड़ती है और उसके साथ जाना पड़ता है। लेकिन घर आकर उन्हें पता चलता है कि क्रशर तो वहाँ पर है ही नहीं, यानी कि क्रशर अभी भी जिंदा है। इस बात से ऐश काफी घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन शेरिफ उसे हैंडकफ लगाकर चेयर से बांध देता है। उसके बाद शेरिफ बाहर जाता है जहाँ पर क्रशर उसका हाथ पकड़कर उसका चेहरा ही क्रश कर देता है जिससे शेरिफ की बड़ी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद वो उसके टुकड़े टुकड़े करने लगता है। इधर ऐश भी हैंडकफ खोलकर बाहर जाने लगती है। इसी बीच वहाँ पे क्रशर का भाई आ जाता है जो कि अभी भी जिंदा होता है। ये देखकर ऐश पास में पड़े चाकू को लेकर उसके सिर में घुसा देती है जिससे अब क्रशर के भाई की भी मौत हो जाती है। क्रशर अपने भाई की चीख सुनकर अंदर आ जाता है। ये देखकर सारा उसे शूट करके वहां से भाग जाती है लेकिन क्रशर उसके पीछे पड़ जाता है। अब क्योंकि क्रशर को बुलेट्स लगी थी जिसकी वजह से वो ज्यादा देर तक नहीं चल पाता है और इसी बात का फायदा उठाकर ऐश वहां से भागकर रोड तक पहुंच जाती है जहां पर उसे पुलिस फोर्स रेस्क्यू कर लेती है। पुलिस को वहां पर देखकर क्रशर उस जगह से चला जाता है और ऐश भी वहां से अपने घर सही सलामत चली जाती है। रात में हम देखते हैं कि कुछ पुलिस की फोर्स वहाँ पर क्रशर को ढूंढने आए होते हैं लेकिन उन्हें उस घर में क्रशर नहीं मिलता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि क्रशर उन्हें छुप छुप कर देख रहा होता है ताकि वो उन सब को किसी तरह मार सके। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेक श्योर टू कमेंट फॉर योर ओपिनियन अबाउट दिस मूवी। थैंक यू।